हमारे शरीर पर तिल क्यों आते हैं? दांतों का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? दूध के दांत टूट क्यों जाते हैं? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो शायद इन सवालों का जवाब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जानते हैं रोचक सवालों के जवाब। पानी की बूंदें हमेशा गोल क्यों होती हैं? पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार ले लेती है। सरफेस टेंशन किसी सतह या द्रव का विशिष्ट गुण होता है। दांतों का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? हमारे दांतों का रंग सफ़ेद होता है, पर किसी किसी के पीले भी होते हैं। दांतों का जो बाहरी आवरण होता है वह कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए दांतों का रंग भी सफ़ेद ही होता है। दूध के दांत टूट क्यों जाते हैं? बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके जबड़े बहुत छोटे होते हैं, जो परमानेंट दांत को जमाने में बहुत छोटा होता है। जब वो बच्चा लगभग 6 साल से 9 साल का हो जाता है तो जबड़ा परिपक्व हो जाता है और परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं। परमानेंट दांत जब बाहर आने लगते हैं तो दूध के दांत को बाहर निकाल फेंकते हैं। दूध का दांत परमानेंट दांत के उचित या सही स्थान पर आने के लिए मदद करता है। अलग अलग दांत अलग अलग समय पर गिरते हैं। सामने के दांत पहले गिरना शुरू होते हैं। डकार क्यों आती है? डकार आना एक ऐसी क्रिया है जिसमें पेट में एकत्रित हवा बाहर आती है। खाना खाते समय या मुंह खोलते समय हवा पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नली में पेट और छाती के बीच दरवाजे के समान एक रचना होती है। जो भोजन निगलने के समय खुलता है वह भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। यही दरवाज़ा पाचक रसों को बाहर आने से रोकता है। लेकिन जब पेट में काफ़ी मात्रा में गैस या हवा एकत्र हो जाती है तो मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने के लिए संदेश मिलता है। इसके बाद यह दरवाज़ा पल भर के लिए खुलती है और हवा या गैस बाहर आ जाती है। जब हवा पेट से नली में आती है तो कंपन करने लगती है, इसी कारण डकार में आवाज़ भी पैदा होता है। हमारे शरीर पर तिल क्यों आते हैं? हमारे शरीर का रंग मिलेनिन नामक पदार्थ वाली कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। गोरी त्वचा पर मिलेनिन पदार्थ की कोशिका या सेल्स बहुत कम होती है, जबकि काले या सांवले रंग वाली त्वचा में बहुत अधिक होती है। कभी कभी ये मिलेनिन कोशिकाएं एक जगह जमा हो जाती है और वह भाग कुछ ज़्यादा ही काला हो जाता है, जिसे हम तिल कहते हैं।